कैसे रजवान मियां, मजा आया मैच हारने के बाद? आज तो भैया हमारे गेंदबाजों ने कमाल कर दिया, 101 पर आपकी पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया और मैंने भी 2 विकेट ली। बाकी भैया क्या हुआ सब बताएंगे अपने मुंह से। ओ वसीम भैया ज्यादा उछलो मत, केवल दूसरा ही मैच जीते हो, टैं टैं कर रहे हो। ससुर के नाती हमको तरस आ गया था, हम थोड़ा जानबूझ के आउट हो गया। हमने अपने प्लेयरों को भी बोला भैया कराची का हाल बेहाल है, थोड़ा मैच इनको जीत लेने दो। हाँ रजवान बुरादर तुम बिल्कुल सही बोलता हो, कराची वालों हम जानबूझ के हारता, हम 7 रन बनाता, रिली डोसो भी 7 रन बनाता, कुशी दिलशा भी 4 रन बनाने के बाद आउट होता, क्योंकि हम जानबूझ के इसलिए हारा कि तुम्हारा टीम टूर्नामेंट में बना रहे, समझ गए ना? अबे चुप करता मैं लड़का बच्चा, तुम हमारे देश का होता हम तुमको अच्छी तरीके से जानता, जानबूझ के आउट होता, हम तेरे को आउट करता, उसके बाद कुशी दिलशा को भी हम आउट करता, रिली डोसो के बच्चे को मलक बुरादर आउट करता, हम दोनों ने मिलकर तुम्हारी वाट लगाई आज। शमसी भैया इनको बोलने दीजिए, ये तो अब इसी तरह बोलेंगे, वाट तो इनकी असल में हमने और आपने मिलके लगाई, मैंने भी 3 विकेट ली, आपने भी ली और वसीम भैया ने भी कप्तानी का हक निभाते हुए 2 विकेट ली। मलक भैया अभी तो ये लोग बच गए क्योंकि मैं जल्दी आउट होती, 27 रन बनाती 12 गेंदों पर केवल, बहुत तेज खेलती मैं लेकिन आउट होगी, अगर आउट ना होती मेरा शतक होती और इधर इनको टारगेट होती 300 का, फिर ये 200 रन से हारती। अबे चुप करो कराची वालों, वो तो भैया मेरी गेंदबाजी चली, 4 ओवर में मैंने 2 विकेट ली, रन भी बहुत कम दिए, लेकिन उसके बाद ना हमारा कोई बल्लेबाज चल सका ना ही किसी गेंदबाज ने मेरा साथ दिया, वरना तुम्हारी औकात नहीं थी तो मुझे मैच जीत कर दिखाता। अबे बस कर एहसान उल्लाह के बच्चे, 2 विकेटें तूने ले ली, थोड़े से रन बचा लिए तो क्या हुआ, जब हम बल्लेबाजी कर रहे थे तू ससुर का नाती सामने नहीं आया, हमारे सामने आता हम तुमको बताते, फिर कैसे भैया हमारे गेंदबाजों ने तो 17वें ओवर में आपकी टीम को लुढ़का डाला। छोड़ता यार ये बुरादर, इनकी बस की बात नहीं थी हमारे से जीत रहा, 66 रनों से ठोकर ना, पहला मैच ये किया हमारी टीम से जीत के, केवल वो भी 3 रनों से, तो बहुत फुतक रहे थे, आज कैसे फिर वन साइड मैच इनको ठोका, वो भी बड़े मार्जिन के साथ। अबे चुप करता मैथ्यू वेड का बच्चा, वो तो तुम शुक्र मनाता कि हमारा रेली रोसो का आज बल्ला नहीं चला, नहीं तो हम तो भैया रनों की लाइन लगा देनी थी, बल्कि रेल बनानी थी रनों की, हम तो आउट हो गए 7 रन बनाने के बाद, बस हमारा टीम हार गया। चुप करता रेली रोसो भैया आपका भी बल्ला नहीं चला, मिलर का भी नहीं चला, रजवान और शान ने भी कुछ नहीं किया और हम भी 4 रन बनाने के बाद लुढ़क गए, वरना इनकी क्या औकात है हमसे जीतते, वैसे पहला मैच तो हमने जीता था, आज इन्होंने जीत लिया तो क्या हुआ। अबे कुशी दिलशा के बच्चे चुप करो, तुम लोग अभी बच्चे हो, आज तो भैया हमारी गेंदबाजी ने आपकी नैया डुबोई, 3 विकेटें मैंने ली, मैन ऑफ द मैच मेरा बनता था, लेकिन हमने सोचा तरवेश शमसी आज पहला मैच खेले हैं, क्यों ना इसको मैन ऑफ द मैच लेने देते हैं। वसीम भैया चलो माना आपने भैया मेहनत करके जीत ली, हमने जानबूझ के नहीं दिया, लेकिन ससुरी के अपने प्लेयरों को समझा इतना काहे को फुतक रहे, पहला मैच तो हमने जीता था, हमने तो इस तरह कोई शोर नहीं मचाया, तुम लोगों ने खामखा दिमाग खराब करके रखा, इनको चुप करवाओ। रजवान मियां आपने शोर नहीं मचाया तो आप शोर मचाने के लायक बच्चे ही कहां थे, केवल 3 रनों से जीता था, हमने तो भैया ठोक बजा के आपको ठोका, जैसे बोला था वैसे करके दिखाया, 66 रनों से ठोका, 101 पे ऑल आउट किया है आपकी टीम को, हम तो भैया शोर मचाएंगे, शोर नहीं बल्कि हम तो ढोल बजाएंगे भैया आपके गले में डाल के बजाएंगे ताकि तुमको पता चले। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज।